सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिरोन्स क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या अर्थ मैग्नेट है। तो इसके बारे में पूरे फिजिक्स की धागा खुलने वाली है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको आज समझ में आने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स मैं आपके लिए रख रखा हूँ जिसे आप जानने की इच्छा जरूर रखे होंगे काफ़ी दिनों से, और वो आज सारे खुलने वाले हैं, सारे राज खुलने वाले हैं। और मैंने एक क्वेश्चन और करा था पिछले ही क्लास में कि क्या किसी परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिज्म खो सकती है, क्या उसकी मैग्नेटिज्म थोड़ी देर के लिए या फिर हमेशा के लिए जा सकती है। तो बिल्कुल हाँ, ऐसा हो सकता है। कई लोगों ने कमेंट किया, उनके कमेंट सही थे, कई लोगों ने सही जवाब भी दिया। मैंने उन्हें कमेंट करके उन्हें बताया कि हाँ, आपका जवाब सही है। तो इसकी दो प्रोसेस है। पहली तो आप हैमरिंग कर सकते हो, अगर आप हैमर करते हो तभी उसकी मैग्नेटिज्म जाएगी थोड़ी देर के लिए, अगर आप प्रोसेस को लगातार रखे रहो तब हमेशा के लिए भी जा सकती है। दूसरी प्रोसेस है अगर आप उसे हीट करोगे तब भी ऐसा होगा। अगर आप इस पे डिटेल्ड वीडियो चाहते हो मेरी तरफ से, चाहते हो कि मैं इसको पूरे अच्छे तरीके से बताऊं, कवर करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ज़्यादा लोगों के कमेंट आते हैं तो मैं इस पे सोचूंगा एक वीडियो बनाने की, जल्द आ जाएगी। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको ये पसंद आती है तो, या फिर पूरी तरीके से समझ में आती है तो, अगर समझ में आ रहा है ना तभी लाइक करना। चलिए आज हम जानते हैं क्या अर्थ मैग्नेट है। तो ये हमारा प्यारा सा अर्थ ऐसे दिख रहा होगा आपको। तीन लेयर होते हैं अर्थ में मेनली। ये आपके ऊपर वाला जो पपड़ी होता है वो 100 किलोमीटर की रेंज के आसपास होती है, इसे हम क्रस्ट कहते हैं, यहीं पर हम माइनिंग करते हैं, ओर्स निकालते हैं। ये जो अंदर का भाग है ये मेंटल है, लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास होगा। और बाकी जो बचा 400 में कितनी रेडियस होती है अर्थ की, 6400 किलोमीटर। बाकी जो बचा ये बीच में, ये कोर होता है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है इधर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इधर, हाई टेम्परेचर, और इतने हीट में जो हमारे मेटल्स होंगे वो किस स्थिति में मौजूद होंगे, मोल्टन स्थिति, पिघले हुए स्थिति में मौजूद होंगे। मोस्टली क्या होगा, आयरन और निकल होता है जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। और जब ये इस हीट में फ्लो करते हैं, क्योंकि इनका नेचर है, कोई भी मॉलिक्यूल जब हीट करता है तो वो फ्लो करना चाहता है, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। ठीक है, फ्लूइड्स में होता है। कन्वेक्शन कहाँ होता है, फ्लूइड्स में, जो कि फ्लो कर सकती है, तो मोल्टन स्टेट में तो फ्लो करेंगी। तो यहाँ पे एक फ्लो बन रहा है, और कैसा फ्लो बन रहा है, साइक्लिक फ्लो बन रहा है, और इसी कारण हम क्या कर रहे हैं, कन्वेक्शन, और लगातार ये चल रहा है इसलिए हम कहेंगे कन्वेक्शन करंट। जब ये मोल्टन मेटल्स, आयरन और निकल, जब ये कन्वेक्शन करंट बनाते हैं तो एक प्रकार का डायपोल बनता है, और वो डायपोल को हम कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल, क्योंकि यहाँ पे लगातार इलेक्ट्रोलाइटिक करंट यहाँ पे जनरेट हो रहा है, जिसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड भी हमें मिलेगा, जो कि ओरेस्टेड थी और इस चैप्टर में हमें पढ़ना भी है। व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन गई है, डायपोल सेट हो चुका है। देखो, एक नॉर्थ पोल दिख रहा है तुम्हें और एक साउथ पोल दिख रहा है, ये कन्वेंशन है। यहाँ पे नॉर्थ हो सकता था, यहाँ पे साउथ हो सकता था, पर हमने इस तरह से चीजें मानी है कि ये नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है और ये साउथ मैग्नेटिक पोल है। ध्यान देना, ये मैं कैसे लिखूंगा, साउथ मैग्नेटिक पोल लिखना जरूरी है, ये नहीं कि साउथ पोल लिख दिए, साउथ मैग्नेटिक पोल लिखना जरूरी है और इसको नॉर्थ मैग्नेटिक पोल लिखना जरूरी है। मैग्नेटिक पोल्स हैं ये, ओके? अब आते हैं यहां पे एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये जो है नॉर्मल है, इस तरह से इस एरिया में मैग्नेटिज्म कूट कूट के भरा हुआ है। तो हम ऐसे थोड़ी दिखाएंगे, प्रॉब्लम बनाना है, कैसे करोगे, इसको बार मैग्नेट मान लोगे। तो जो हमने बार मैग्नेट माना है वो दरअसल है नहीं पृथ्वी के अंदर, वो इमेजिनरी है, काल्पनिक है। तो ऐसे बार मैग्नेट हमने माना है। अर्थ की रोटेशन जो होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो 23.5 डिग्री होती है। ऐसे अर्थ ऐसे झुक के ऐसे रोटेट कर रहा है, और ये अपने इस प्लेन पे, नॉर्मल पे कितने डिग्री से झुका हुआ है, 23.5 डिग्री से झुका हुआ है। और हमारा मैग्नेट थोड़ा सा और इधर की तरफ टिल्ट है। ये देखो, जो ब्लैक वाली लाइन आपको दिख रही है ये मैग्नेटिक एक्सिस है, और जो रेड वाली लाइन आपको दिख रही है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में 11.5 डिग्री का फर्क है, और ये जो डिग्री का फर्क देख रहे हो ना, ये लगभग मिलियन ऑफ ईयर्स में बदल जाती हैं। ठीक है, ये हमेशा घसकते रहती है, ऐसे 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 होते जाती हैं। क्यों होते जाती हैं, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पे आइए पहले, तो यहाँ पे देखो, अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगी। एरो का डायरेक्शन मैं कैसे दूंगा, इस तरह से दूंगा। ठीक है, नॉर्थ पोल से ऐसे निकली, साउथ पोल भी मर्ज हुई, नॉर्थ पोल से ऐसे निकल रही है, साउथ में मर्ज हो रही है, जो कि टिपिकल आपको मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में मैंने आपको बताया था, वो जाके देख लेना। ये मैग्नेटिक फील्ड्स आपको दिख रही हैं। अब कंपास का क्या रोल है, मान के चलो आप एक कंपास रखते हो यहाँ पे अर्थ पे, कहीं पे रखते हो, यहाँ पे मैं ऐसे कर ले रहा हूँ,
और यहाँ पैसे रख रहा हूँ, कंपास एक। इतनी बड़ी कंपास तो नहीं होगी, पर एजम्पशन कर लेते हैं कि इतनी बड़ी कंपास है। और ये इसका नीडल किधर की तरफ रिफ्लेक्ट होगा, तो देखना नीडल का जो नॉर्थ पोल होगा वो साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा, ऐसे। नीडल का नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा हमारे मैग्नेटिक साउथ पोल पे, साउथ मैग्नेटिक पोल लिखा है ना, या फिर कहो मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये नीडल जो होती है कोबाल्ट स्टील की बनी होती है, अगर ये किसी मैग्नेट के आसपास आएगा तो इसमें मैग्नेटिज्म आ जाएगी, और अर्थ भी तो एक मैग्नेट है ना, तो इससे भी ये कंपास प्रभावित होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो अर्थ का ये पोल, जो अर्थ का ये जो साउथ मैग्नेटिक पोल है, वो हमारे कंपास के कोबाल्ट स्टील के नीडल वाले को रिफ्लेक्ट करेगा, प्रभाव में लाएगा, और हमारा कोबाल्ट का नीडल नॉर्थ जो है वो साउथ की तरफ आ जाएगा। तो ये अपने आप, इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम साउथ कह देंगे, जो इधर नहीं दिख रहा है कुछ, इधर हम साउथ कह देंगे। तो कंपास से हम पकड़ कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल कौन सा है, जब इधर कंपास का नीडल इधर मुड़ गया है तो हम कह देंगे कि जो ये जो है ना हमारा, ये जो है हमारा, ये हमारा नॉर्थ ज्योग्राफिकल पोल है, ज्योग्राफिकल पोल, ठीक है, और ये जो है हमारा ये साउथ ज्योग्राफिकल पोल है। देखो दोनों उल्टा हैं, उल्टा क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अट्रैक्शन उल्टे पोल में ही होता है, होता है ना। देखो यहाँ पे ये नॉर्थ पोल मैग्नेट का है और ये देखो साउथ ज्योग्राफिकल पोल हो गया, हो गया नॉर्थ पोल इस मैग्नेट का, तो साउथ का पोल इधर आ जाएगा, तो साउथ ज्योग्राफिकल पोल। तो जो साउथ ज्योग्राफिकल पोल है ना आपका, वो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है, और जो नॉर्थ ज्योग्राफिकल पोल है आपका, वो दरअसल साउथ मैग्नेटिक। तो अब यहाँ से समझ में आ चुका है आपको, ये नॉर्थ है इधर और ये साउथ है इधर, हम इसी को मान के चलते हैं। अगर मान ले जाए ये बदल जाती है, अगर ऊपर ये नॉर्थ रहता ये साउथ नीचे रहता, तो ये भी बदल जाती, ये नॉर्थ हो जाता ये साउथ हो जाता, ऐसे होता ना, ये कंपास इस तरह से काम करती है। अब बात आती है कि हम यहाँ पे देखो कि अभी ये मैंने बात की थी कि यहाँ पे देखो ये जो 11.5 डिग्री का फर्क है ये बढ़ते जाता है, तो हाँ जी हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक जो है करंट है यहाँ पे, जो अर्थ के कोर के अंदर जो मेटल्स फ्लो कर रहे हैं उनकी टेंडेंसी हर समय बदलते रहती है। इस कारण ये देखा भी गया है कि हर साल 40 मील जो साउथ मैग्नेटिक पोल है ऐसे घसकते रहती है, साउथ मैग्नेटिक पोल घसकते चली जाती है हर साल 40 मील। कोई ज़्यादा वरी होने की बात नहीं, क्योंकि ये चेंज जो है वो काफ़ी मिनिमम है, और बहुत सालों बाद कुछ सब्सटांशियल हमें चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत सालों बाद कुछ सब्सटांशियल चेंज देखने को मिलेगा। अब इस तरह के जो एप्लीकेशन हो रहे हैं, जो जियोमैग्नेटिक फील्ड हमारे अर्थ की बन रही है, वो हम फील कैसे कर सकते हैं, देख कैसे सकते हैं, तो आपको ये अमेरिका में एक स्पेस है, एक जगह है जहाँ पे अरोरा लाइट्स आती हैं, अरोरा फिनोमेनन होती हैं, नॉर्दर्न लाइट्स उसे कहा जाता है, आपको फिगर में दिख रहा होगा। ये लाइट्स अकर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, जो सूरज से आ रही है सोलर रेडिएशन, वो दरअसल इंट्रैक्ट कर रही है हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से, इस कारण ये लाइट्स आपको देखने को मिल रही है। दूसरा कारण क्या है कि हम समझ पाते हैं कि यह हमारे अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो हमारी खुद की लाइफ है, हम बच नहीं सकते हैं, पृथ्वी पर जीवन का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ना हो अर्थ की, तो ये धरती पर आ जाएंगे और शायद लाइफ उस समय एग्जिस्ट ना करे, जो कि मार्स की हालत हुई। मार्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड काफ़ी कमज़ोर पड़ गया और उसके कारण वहाँ पे रेडिएशन आने लगी और इस कारण वहाँ लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी भी जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं वो सूट इस तरह का बनाएंगे, जो भी जाएंगे मार्स पे वो इस तरह की सूट बनाएंगे ताकि रेडिएशन से बचा जाए, ठीक है, काफ़ी रेडिएशन है वहाँ और इसकी एटमॉस्फेयर भी काफ़ी थिन पड़ गई है मार्स की, हमारी अर्थ की अच्छी एटमॉस्फेयर है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारा अच्छा है। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन कि अगर अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहे ही ना, तब तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, पर उससे भी बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन कि अगर ये रिवर्स कर जाए, नॉर्थ पोल उधर चला जाए साउथ पोल इधर चल जाए, तब क्या होगा, क्या ऐसा कभी हुआ है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखना यहाँ पे क्या होने वाला है कि जो मैग्नेट है आपकी, अगर ये रिवर्स कर जाती है, तो किसी तरह हाइपोथेटिकली अगर ये रिवर्स कर जाती है, क्योंकि ऐसे कांड हो चुके हैं बहुत हजारों साल पहले, ये रिवर्सल हो चुका है, लगभग 100 टाइम्स पृथ्वी पे अकर हो चुका है, और उस समय ह्यूमंस मौजूद नहीं थे, तो जो साक्ष्य हमारे हम उसी से पता लगाते हैं कि ऐसा हो चुका है, हो सकता है आगे नेक्स्ट मिलीनिया में ऐसा कुछ हो, पर अगर ये रिवर्स कर जाती है तो देखो होने का वाला है, जो नॉर्थ पोल इधर था मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, वो उधर चला जाएगा, वो उधर चला जाएगा और साउथ पोल इधर चलाएगा, मैग्नेटिक साउथ पोल इधर चलाएगा, जिसके कारण जो कंपास पहले उधर डिफ्लेक्ट कर रही थी अब इधर डिफ्लेक्ट करेगी,
डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना। अब मेरे लिए ज्योग्राफिकल पोल कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा नॉर्थ ज्योग्राफिकल पोल, नॉर्थ ज्योग्राफिकल पोल, और ये वाला हो जाएगा साउथ ज्योग्राफिकल पोल। उलट जाएगी दिशाएं, सारी बदल जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी दिशाएं, अपोजिट हो जाएंगी। इससे कंपास मेकर्स जो होंगे उन्हें कुछ चेंज करना पड़ेगा, एक नया बिजनेस सा बन जाएगा। अब एक और चीज़ और क्या होने वाला है यहाँ पे, तो जो पक्षी होते हैं, जो माइग्रेटिंग बर्ड्स होते हैं, वो उनके पास कोई कंपास तो होती है कि वो दिशा का पता लगाते हैं और न्यूजीलैंड से भारत चले आते हैं, वो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सहारा लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई साइंटिस्ट हैं वो लोग, अननोविंगली उन लोग अपने अंदाज में इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ट्रेस करते हैं और इसी से दिशा का पता लगाते हैं और वो कहीं पहुंच पाते हैं। अगर रिवर्सल होता है तो उनके लिए भी एक कंफ्यूजन की स्टेट पैदा हो जाएगी, वो जिस दिशा में जा रहे थे उन्हें पता ही नहीं चलेगा दरअसल वो उल्टी दिशा में जा रहे हैं, और जब वो एक बार वो पहुंचेंगे तो पता चलेगा अच्छा निकला था वहीं पहुंच गया। तो ऑफकोर्स उन्हें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन शुरुआती दिनों में होगा, पर धीरे धीरे वो एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्टमेंट तो सभी कर पाते हैं। फिर क्या हो सकता है, अब देखो ये जो मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट डायरेक्ट रिवर्स नहीं हो जाती है, ये धीरे धीरे रिवर्स होगी। एक समय ऐसा आएगा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड कमजोर पड़ते जाएगी, फिर जीरो हो जाएगी, फिर रिवर्स हो जाएगी। तो जो समय लग रहा था मैग्नेटिक फील्ड को कमजोर होने में और जीरो होने में, जो कमजोर हो रही थी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होने से होगा क्या, जो सोलर रेडिएशन है, कॉस्मिक रेज है, हम उनको न्योता देंगे, क्योंकि हमारी एटमॉस्फेयर वीक पड़ जाएगी उस समय। ठीक है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड ही वीक पड़ जाएगी जो कि सोलर फ्लेयर्स को रोके नहीं रोक पाएगी, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या सूरज से निकलने वाले जो सोलर रेडिएशन है, कॉस्मिक रेज, वो हमारे अर्थ पे पड़ेगी और ये हमारे लाइफ फॉर्म्स को टारगेट करेगी, खत्म कर सकती है। ये एक यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे आ रही है। और क्या होगा, जो अरोराज जो आपको दिखती है सोलर रेडिएशन के कारण, वो काफ़ी ज़्यादा दिखेगी, तो ये एक प्रभाव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एक और इंटरेस्टिंग बात कि हमारे अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो धीरे धीरे कमजोर होते जा रही है, धीरे धीरे कमजोर होते जा रही है। ऐसा नहीं कि तुम्हें अगले 100 सालों में ये पता चल जाएगा, नेक्स्ट मिलेनिया तक ये कमजोर पड़ जाएगी, जैसे मार्स का हुआ। हर प्लैनेट का एक लाइफ साइकिल होता है, जिस तरह से अर्थ का भी होगा, और ये भी एक रीजन हो सकता है कि अर्थ पे लाइफ खत्म हो जाएगी। जब हमारा एटमॉस्फेयर ही नहीं रहेगा तो लाइफ कैसे एग्जिस्ट कर सकती है, और एटमॉस्फेयर भी किस पे टिका हुआ है, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे टिका हुआ है, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडिएशन से हमें बचाते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को बना के रखते हैं, उसे उजड़ने नहीं देते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर बताना। और आपको क्या लगता है कि ये जो कैटास्ट्रॉफी लेवल है, जो तबाही लेवल आ सकती है इसके रिवर्सल से, वो क्या क्या हो सकते हैं, जो आपको लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्या क्या हो सकता है रिवर्स होने पे, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आई हो तो, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो भी फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ जाके आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।